आज की इस वीडियो में हम देखेंगे पार्ट टू ऑफ बी एच यू एम एस जोलॉजी इन ट्रांस पेपर टू सो कीप वाचिंग दिस वीडियो टिल इन फॉर बेटर प्रिपरेशन क्वेश्चन नंबर 32 व्हाट विल हैपन इफ अ लाइसोजोम इज रपचर्ड इनसाइड साइड सेल ऑप्शन वन आल द आर्गिनेलीज ऑफ द सेल विल गेट डाइजेस्टेड ऑप्शन टू द लाइसोजोमल अनजाइम्स विल गेट इनएक्टिवेटेड ड्यू टू नॉन एसिडिक पी ऑफ द साइटोप्लाजम ऑप्शन थ्री द लाइसोसोमल प्रोटीन विल गेट ट्रांसपोर्टेड बैक टू अदर लाइसोसोम्स ऑप्शन फोर द इंडिविजुअल विल गेट इंक्लूजन सेल सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन वन कि अगर सेल के अंदर लाइसोसोम रप्चर हो जाता है तो लाइसोसोम्स के अंदर हाइड्रोलाइटिक या डाइजेस्टिव एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं जो कि सेल के तमाम आर्गेनालीस को डाइजेस्ट कर देंगे क्वेश्चन नंबर थर्टी थ्री ड्यू टू म्यूटेशन वन अमाइनो एसिड मे गेट रिप्लेस्ड बाय एनी अदर अमाइनो एसिड सच म्यूटेशन आर टर्म एज नॉन सेंस म्यूटेशन मिससेंस म्यूटेशन फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन इन फ्रेम म्यूटेशन सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन टू मिससेंस म्यूटेशन के अंदर एक अमाइनो एसिड दूसरे अमानो एसिड से क्या हो जाता है रिप्लेस हो जाता है क्वेश्चन नंबर थर्टी फोर अ ह्यूमन बेबी बॉर्न विद अ शार्ड फ्लैशी टेल प्रोट्रोडिंग फ्रॉम द बेस ऑफ द स्पाइन is an example of elongated vertebral column atavism or edward syndrome or placental infection so the answer is option 2 a human baby born with short fleshy tail protruding from the base of the spine is an example of atavism question number 35 the first ancestral mammals belongs to Morganocodontidae theropods Balenopteridae or Tarsidae. Secret answer is option one. The first ancestral members belongs to Morganocodontidae. Question number 36. For an advantageous trait having very low or no heritability, what is the probability that it will be selected in the evolutionary process? High, intermediate, low, almost none. Secret answer is option four. कि अगर कोई ट्रेट नॉन इनहेरिटेबल है उसकी हेरिटेबिलिटी नहीं है तो वो फ्यूचर जनरेशन के अंदर भी सिलेक्ट नहीं होगी क्वेश्चन नंबर थर्टी सेवन जिनेटिक ड्रिफ्ट प्ले इम्पॉर्टेंट रोल इन लार्ज पापुलेशन स्मॉल पापुलेशन बोटल नेक पॉपुलेशन बोथ टू एंड थ्री आंसर इज ऑप्शन फोर जिनेटिक ड्रिफ्ट प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन बोटल नेक पॉपुलेशन एज वेल एज स्मॉल पॉपुलेशन Question number 38 diversification of a small group of ancestral species into a large number of descendant species that occupy a wide range of ecological niches is known as genetic drift migration gradualism or niche selection so correct answer is option 2 कि अगर इंसेस्ट्रल स्पीशीज़ डाइवर्सी होफाई हो जाती हैं न्यू डिसेंडेंट स्पीशीज़ के अंदर जो कि एक न्यू वाइड रेंज ऑफ इकोलॉजिकल इन्वामेंट के अंदर अपने आप को अडॉप्ट कर लेती हैं तो इस प्रोसेस को हम नाम देंगे माइग्रेशन का नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने बीते के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें क्वेश्चन नंबर थर्टी नाइन द इंक्रीज इन बॉडी साइज विद डिक्रीज इन एवरेज टम्परेचर इन केस ऑफ वार्म ब्लडेड एनिमल इज स्टेटेड इस बर्गमैन रूल वालेस रूल स्पेंसर रूल एलन रूल सो सुट आंसर इज ऑप्शन आप रूल के मुताबिक अगर जो वार्म ब्लडेड एनिमल्स हैं उनके अंदर जब आप एवरेज टम्परेचर को डिक्रीज करते हैं तो उनका जो बॉडी साइज है वो इंक्रीज हो जाता है क्वेश्चन नंबर फोर्टी द फास्ट फोसलाइज एविडेंस आफ सेल माइक्रोफोसल्स आफ प्रोकेरियाटिक सेल्स इन स्ट्रोमैटोलाइट्स आर प्रोकेरियाटिक सेल इन एलियोकोन्थोनस और एक्रीटार्च आर एडाकेरियन फोसलट आंसर इज आप फास्ट फोसल एविडेंस आफ सेल जो है वो मिला था माइक्रोफोस आफ प्रोकेरियाटिक सेल्स स्पेशली साइनोबैक्टेरिया इन स्ट्रोमैटोलाइट्स क्वेश्चन नंबर फोर्टी वन अकॉर्डिंग टू द डारविनिज्म विच ऑफ द फॉलोंगन एवाल्व एंड हैं फॉर्म्स द यूनिट ऑफ एवोल्यूशन क्रोमोसोम जीन पापुलेशन इंडिविजुअल ऑप्शन थ्री अकॉर्डिंग टू डारविनिजम पापुलेशन जो है वो इवॉल्व हो सकता है उसके अंदर एवोल्यूशन हो सकती है और ये एवोल्यूशन का बेसिक यूनिट है Question number 42 Which of the following individuals have greatest fitness? Option 1 Individual who is homozygous for sickle cell anemia living in the malaria free world. Or Option 2 Individual who is heterozygous for sickle cell trait living in malaria infested area. Option 3 Individual who is homozygous for sickle cell anemia and living in malaria infested area. ऑप्शन फोर इंडिविजुअल हु इज़ नॉट कैरिंग ए म्यूटेशन फॉर सिकल सेल एनीमिया एंड लिविंग इन अ मलेरिया इन्फेस्टेड एरिया तो इसमें जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन टू वो इंडिविजुअल जो कि हेट्रोजाइगस है, है सिकल सेल ट्रेड के लिए तो उसके अंदर मलेरिया के खिलाफ रजिस्टेंस डिवेलप हो जाती है तो उस इंडिविजुअल्स के अंदर जो है सबसे ज़्यादा या ग्रेटर फिटनेस होगी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाने से पहले अगेन मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें क्वेश्चन नंबर फोर्टी थ्री अकॉर्डिंग टू द हार्डी वेनबर्ग थ्योरी पी स्केयर प्लस टू पी क्यू इज इक्वल टू हंड्रेड वन माइनस क्यू स्केयर क्यू स्केयर वन सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन टू हम जानते हैं कि हार्डी वेनबर्ग थ्योरी का जो फार्मूला है वो है पी स्केयर प्लस टू पी क्यू प्लस क्यू स्केयर इज़ इक्वल टू वन तो जब आप पी स्केर प्लस टू पी क्यू तो यहाँ पे दिया हुआ है इट्स मीन जब आप प्लस क्यू को दूसरी साइड पे ले जाएंगे तो वो आपके पास बन जाएगा वन मैनस क्यू स्केयर तो करेक्ट आंसर जो है वो है ऑप्शन टू क्वेश्चन नंबर फोर्टी फोर अकॉर्डिंग टू आउट ऑफ अफ्रीका थ्योरी विच ऑफ द फॉलोइंग ह्यूमन स्पीशीज माइग्रेटेड आउट ऑफ अफ्रीका होमोहबल्स एंड अस्ट्रेलोपिथैकस होमो इरेक्टस एंड होमो हबलेस आर होमो इरेक्टस एंड होमो सेपियंस होमो सेपियंस एंड होमो सो होमोनियनडरथीलियनसिस आंसर इज ऑप्शन थ्री अकॉर्डिंग टू आउट ऑफ अमेरिका अफ्रीका थ्योरी तो जो ह्यूमंस अफ्रीका से माइग्रेट कर गए हैं वो हैं होमो इरेक्टस एंड होमो सेपियंस क्वेश्चन नंबर फोर्टी फाइव विच करेक्टरिस्टिक वेलेक्टेड फॉर इन अर्लीस्ट प्राइमेट्स टू अलाउ देम टू बिकम सक्सेसफुल इन दियर इन्वायरमेंट प्री हंसाइल फिंगर एंड टोज बाई पैडालिज्म क्रेनियल कैपेसिटी एबिलिटी टू माइग्रेट सो केट आंसर इज आप अर्लीस्ट प्राइमेट्स थे उनमें प्री हेंसाइल फिंगर और टोज का डिवेलप होना उनके लिए उनको जो है सक्सेसफुल बना देता है इन दियर इन्वायरमेंट question number 46 which of the following characteristic of an axon is most dependent on its diameter magnitude of its resting potential duration of its refractory period conduction velocity of its action potential uh, or activity of its sodium potassium pump so the answer is option 3 kj exon ki conduction velocity hai, वो डिपेंड करती है डायमीटर पर तो जिन एक्सॉन का डायमीटर ज़्यादा होता है उनकी कंडक्शन विलासिटी भी उतनी ही ज़्यादा होती है क्वेश्चन नंबर फोर्टी सेवन द अमाउंट ऑफ फोर्स प्रोड्यूसड बाई स्केलेटल मसल कैन बी इंक्रीज बाई इंक्रीजिंग एक्स्ट्रा सेलुलर एम जी प्लस टू प्लस आइन आर डिक्रीजिंग एक्स्ट्रा सेलुलर कैल्शियम आइंस इंक्रीजिंग द कंसनट्रेशन ऑफ एसिटाइल कोलाइन एस्ट्रेस अनजाइम आर डिक्रीजिंग द इंटरवाल बिटवीन द कंट्रैक्शन सोट आंसर इज़ ऑप्शन फोर कि अगर हम कंट्रैक्शन के दरमियान जो इंटरवाल है उसको कम कर देते हैं और रिपीटेड कंट्रैक्शन जो है वो प्रोड्यूस करते हैं तो उससे जो सकेलेटल मसल की फोर्स है वो इनक्रीज हो जाती है क्वेश्चन नंबर फोर्टी एट कनेक्शन इज़ एन इंपार्टेंट कंपोनेंट ऑफ गैप जंक्शन सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम माइक्रोटिब्यूल साइनेप्टिक वेजिकल आंसर इज ऑप्शन वन कनेक्शन जो है वो इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है किसका गैप जंक्शन का क्वेश्चन नंबर फोर्टीन नाइन प्रोपोगेशन ऑफ द एक्शन पोटेंशियल थ्रू द हार्ट इज फास्टेस्ट इन एस ए एट्रियल मसल परकिंजी फाइबर्स ए वी नोड सोकिट आंसर इज ऑप्शन थ्री कि जो एक्शन पोटेंशियल है उसकी प्रोपोगेशन फास्टेस्ट होगी इन परकेंजी फाइबर्स क्वेश्चन नंबर फिफ्टी ड्यूरिंग द एक्सरसाइज दियर इज एन इंक्रीज इन परसन डायस्टोलिक प्रेशर स्ट्रोक वॉल्यूम वेनुअस कंप्लींस और पलमोनरी आर्ट्रियल रेजिस्टेंस सो किट आंसर इज ऑप्शन टू एक्सरसाइज के अंदर जो पर्सनस का स्ट्रोक वॉलीम है वो इंक्रीज हो जाता है और इसके साथ साथ पलमोनरी आर्ट्रियल रेजिस्टेंस भी इंक्रीज हो सकती है तो करेक्ट आंसर जो है इसमें ऑप्शन टू है अकॉर्डिंग टू मी क्वेश्चन नंबर फिफ्टी वन पल्स प्रेशर इंक्रीजेस व्हेन हार्ट रेट इंक्रीजेस स्ट्रोक वॉल्यूम डिक्रीजेस मीन आर्टेरियल प्रेशर इंक्रीजेस एआरटिक कंप्लियंस इंक्रीजेस आंसर इज ऑप्शन थ्री कि जो पल्स प्रेशर है वो उस वक्त इंक्रीज होता है जब स्ट्रोक वॉल्यूम इंक्रीज़ हो और आर्टेरियल प्रेशर भी इंक्रीज हो तो यहाँ पे ऑप्शन टू में स्ट्रोक वॉल्यूम डिक्रीज़ लिखा हुआ है तो इट्स मीन जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन थ्री कि आर्टेरियल प्रेशर इंक्रीज होगा तो पल्स रेट भी इंक्रीज हो जाएगा क्वेश्चन नंबर फिफ्टी टू वोल्टेज गेटेड पोटाशियम चैनल इज़ इनहिबिटेड बाई टेट्राडोटॉक्सिन और ट्राई ट्राई इथानोलामीन आर टॉक्सिन बोथ वन एंड थ्री आंसर इज ऑप्शन टू ट्राई इथेनोलोमिन जो है वो, वो वोल्टेज गेटेड पोटाशियम चैनल को इनहिबिट कर देता है जबकि टेट्राडोटॉक्सिन और साक्सी टॉक्सिन जो है ये क्या करते हैं सोडियम चैनल को ब्लॉक कर देते हैं क्वेश्चन नंबर फिफ्टी थ्री ड्यूरिंग स्कोटोपिक वीन रॉड सेल्स आर एक्टिवेटेड बाय ओपनिंग ऑफ साइक्लिक जीएमपी कपल्ड सोडियम चैनल आर पई ऑफ सोडियम पोटाशियम ए टी पेज पम्प आर क्लोयर ऑफ फाइव प्राइम जीएमपी कपल्ड सोडियम चैनल और इंक्रीज इन ग्लूटामेट रिलीज सो किट आंसर इज ऑप्शन थ्री स्कोटोपिक विज़न के अंदर जो राड सेल्स हैं वो तब एक्टिवेट होती हैं

Uh, सैमिटीडीन आर ओप पेराजोल इज ऑप्शन थ्री ओपेम पेराजोल जो है वो हाइड्रोजन पोटाशियम एटीपेज पम्प को इनहिबिट कर सकता है विदिन द पेरिएटल सेल्स और जबकि ओआबिन जो है वो सोडियम पोटाशियम एटीपेज पम्प को इनिबिट करने की सलाहियत रखता है क्वेश्चन नंबर फिफ्टी सिक्स स्टीमेशन ऑफ़ वन ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ न्यूरॉन इन द रेस्पिरेटरी सेंटर स्टीमुलेट्स बोथ इंस्पायरेटरी एंड एक्सपायरेटरी मसल डी आर जी वी आर जी बोथ वन एंड टू ब्रोका न्यूरॉन सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन टू जो वी आर जी है ये है ए वेंट्रल रेस्पिरेटरी ग्रुप तो रेस्पिरेटरी सेंटर के अंदर ये जो वेंट्रल रेस्पिरेटरी ग्रुप है जब इसको स्टिमूलेट किया जाता है तो ये फिर इंस्पायरेटरी और एक्सपायरेटरी दोनों मसल्स को स्टिमूलेट करता है क्वेश्चन नंबर फिफ्टी सेवन इज एसोसिएटेड विद द स्ट्रक्चर ऑफ जी लाइन थिक फिलामेंट, मायोसिन हेड आर फिलामेंट। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन फोर निब्यूलिन प्रोटीन है एक फिलामेंटस प्रोटीन है जो कि एक्टिन फिलामेंट को स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है और ये मोस्टली पाया जाता है थिन फिलामेंट के अंदर क्वेश्चन नंबर फिफ्टी एट बेस टाइट्रेशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग अमानो एसिड विल यील्ड थ्री पी के वैल्यूज सीराइन एस्परजीन विलाइन मैथ्यून सुट आंसर इज आप टू कि एसपर्जीन अमानो एसिड की जब बेस टाइट्रेशन की जाती है तो उससे थ्री पी के वैल्यू ऑबटेन होती है क्वेश्चन नंबर फिफ्टीन नाइन डाइसल्फाइड इन अ प्रोटीन इज जनरेटेड बिटवीन मेथियोनिन एंड 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 सिस्टीन 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 मेथियोनिन एंड थ्रियोनिन आंसर इज ऑप्शन थ्री तो प्रोटीन्स के अंदर दो सिस्टीन और सिस्टीन अमाइनो एसिड के दरमियान डाइसल्फाइड बॉन्ड बनता है क्वेश्चन नंबर सिक्सटी इन अ प्रोटीन हेलिक्स लूप हेलिक्स स्ट्रक्चर क्वार्टनरी स्ट्रक्चर स्ट्रक्चरल मोटिव सुपर कोयल्ड यूनिट आंसर इज ऑप्शन थ्री प्रोटीन के अंदर जो हेलिक्स, लूप हेलिक्स है ये स्ट्रक्चरल मोटिव को डिनोट करती है